हेलो यूजर, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए एक ऐसी यूजफुल रिपोर्ट जो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ, इस रिपोर्ट का नाम है डे बुक। डे बुक क्या होता है और ये कैसे यूजफुल हो सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे डे बुक क्या होता है। जब भी आप अपनी शाम को सेल्स काउंटर को क्लोज करते हैं और आप देखना चाहते हैं कि आज की डेट में या आज के जो करंट दिन है उस दिन के अंदर में हमारे बिजनेस के अंदर में क्या क्या एक्टिविटी हुई है। एक्टिविटी से मतलब है कि आज आपने कितनी सेल करी है, कितनी परचेज करी है, कितने लोगों की पेमेंट को कलेक्ट किया है और कितने पार्टियों को आपने पेमेंट किया है। ये सब रिपोर्ट अगर आप एक सिंगल रिपोर्ट्स के अंदर में देखना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट्स को आप डे बुक में देख सकते हैं। आइए जानते हैं डे बुक्स के बारे में। इसके लिए आप सबसे पहले बुक्स में जाएंगे। बुक्स में जाने के बाद में यहाँ पर एंट्री बुक्स के ऊपर में एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में पहला ही ऑप्शन आता है डे बुक, आप इसके ऊपर में एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप यहां पर एंटर प्रेस करते हैं आपके सामने डे बुक की विंडो ओपन हो जाती है और सबसे जो पहला ऑप्शन आता है वो आता है डेट का। अगर आप करंट डेट का ही सिर्फ डेटा या ट्रांजैक्शन एक्टिविटी देखना चाहते हैं तो आप यहां पर करंट डेट को मेंशन रखेंगे। अगर आप अपने डेट के अकॉर्डिंग अगर यहां पर देखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप यहां पर डेट को भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज की करंट डेट में आपने जो भी एक्टिविटी या जो भी ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर में करी है वो आपको सिंगल रिपोर्ट में कैसे दिखाएगी। इसके लिए आप यहां पर डेट को मेंशन करेंगे और एंड तक एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप यहां पर एंड तक एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो है आज की डेट की जो भी आपने ट्रांजैक्शन या जो भी एक्टिविटी अपने सॉफ्टवेयर में करी है वो सारी की सारी आपको यहां पर दिखाई देगी। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो यहां पर आप देखेंगे डेट्स का। उसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन आता है यहां पर आता है पार्टी का नाम, मतलब कि जिस पार्टी को आपने ट्रांजैक्शन करी होगी वो आपको यहां पर पार्टी का नाम यहां पर दिखाई देगा। उसके बाद में यहां पर आता है रिमार्क, अगर ये सेल और परचेज बिल है तो यहाँ पर जो है आपको कुछ इसका बिल नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर ये रिसीप्ट या पेमेंट है, कोई बाउचर एंट्री है तो यहाँ पर उसका नरेशन या उसका रिमार्क आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पर डेबिट अमाउंट आएगा और यहाँ पर आएगा क्रेडिट अमाउंट। उसके बाद में यहाँ पर आता है टाइप, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि ये ट्रांजेक्शन सेल है या परचेज है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो एंट्री है वो सेल की है या परचेज की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो एंट्री है वो सेल का है, दूसरी एंट्री रिसिप्ट है, तीसरी जो एंट्री है वो परचेज एंट्री है और जो चौथी एंट्री है वो है पेमेंट एंट्री। तो ये रिपोर्ट्स आपको यह सिंगल क्लिक के अंदर में दिखाई देगी। अब बात आती है अगर आप इस रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से अल्टर पी प्रेस करेंगे। अल्टर पी प्रेस करने के बाद में पहला ऑप्शन आता है डिटेल सिंपल या टी फॉर्मेट, आप यहाँ पर एस प्रेस करेंगे। एस का मतलब होता है सिंपल। यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, पहला टी, डी और एस। आप यहाँ पर एस वाले पे एंटर प्रेस करेंगे या इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एंट्री टोटल, आप यहाँ पर वाई की जगह डब्ल्यू सिलेक्ट करेंगे। आप इसके ऊपर में स्पेस बार दबाते या इसके ऊपर में क्लिक करते तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, पहला वाई, दूसरा एन और नीचे डब्ल्यू। आप यहाँ पर डब्ल्यू प्रेस करेंगे। उसके बाद में आप एंड तक एंटर प्रेस करते जाएंगे। जैसे ही आप एंड तक एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें पहला व्यू है, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है प्रिंट, मतलब कि यहां से आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहां पर आता है एक्सेल, आप चाहे तो यहां से इसको एक्सेल में भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको इसको व्यू दिखाऊं तो व्यू आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। मतलब व्यू का मतलब यही होता है कि जब आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो कुछ इस फॉर्मेट में या इस डिजाइन में ये जो है प्रिंट होने वाला है। उसके बाद में आप इसे चाहे तो प्रिंट कर सकते हो एक्सेल में, चाहे तो यहाँ से भी एक्सेल में इसको ले सकते हैं। अब बात आती है अगर मुझे जो है इस डे बुक के अंदर में सिर्फ सेल और परचेज के ही रिकॉर्ड्स देखने हैं और रिसीप्ट ऑफ पेमेंट और कोई भी ऑप्शंस नहीं देखना है तो इस ऑप्शंस को भी आप मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर में यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। इसके लिए हम सबसे पहले बुक्स में जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे एंट्री बुक्स में,
एंट्री बुक्स में जाने के बाद में यहाँ पर आएंगे सिलेक्टेड बुक के ऊपर में। जैसे आप सिलेक्टेड बुक के ऊपर में एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्टेड बुक की विंडो पे चले जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है डेट का। डेट के बाद में आप यहाँ पर जो भी डेट डालना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे। इस रिपोर्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग जो ऑप्शन आता है वो आता है ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड टाइप का। मतलब कि अगर जब भी आप अपनी डे बुक को देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे इस आज के दिन के अंदर में कितनी सेल हुई है और कितनी परचेज हुई है, सिर्फ यही देखना है, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको मल्टी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जब भी आप डे बुक की रिपोर्ट्स को निकालते हैं तो यहाँ पर आपको सेल, परचेज, रिसीट, पेमेंट, जो भी आप एंट्री करते हो सारी के सारी एक साथ दिखाई देती है। पर अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे डे बुक के अंदर में सिर्फ सेल और परचेज की ही रिपोर्ट दिखाई दे, तो आप यहाँ से ये जो नीचे के ऑप्शन है उनको अनटिक कर देंगे। पहले यहाँ से अनटिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी एंट्री दिखाई देनी चाहिए, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आपको सेल और सिर्फ परचेज की एंट्री, तो आप इसके ऊपर में टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में अब इसको कंट्रोल W प्रेस करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल W प्रेस करते तो आप देखेंगे कि डे बुक के अंदर में सिर्फ आपको सेल और परचेज की ही रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद में अब बात आती है इस रिपोर्ट को प्रिंट करने की या फिर एक्सपोर्ट करने की। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कीबोर्ड से अल्टर पी प्रेस करेंगे। जैसे ही आप अल्टर पी प्रेस करेंगे उसके बाद में आपके सामने प्रिंटिंग का ऑप्शन खुल जाता है। उसके बाद में सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला टी है, उसके बाद में डी है और उसके बाद में एस है। आप यहाँ पर एस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है एंट्री टोटल का, यहाँ पर आप वाई की जगह डब्ल्यू प्रेस करेंगे। डब्ल्यू प्रेस करने के बाद में आप एंड तक एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं आपके सामने अगेन फिर से एक वही विंडो खुल के आती है जिसमें आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है, उसके बाद में यहाँ पर एक्सेल का भी ऑप्शन आपको दे रखा है। आप जिस फॉर्मेट में चाहे उसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये रिपोर्ट व्यू करके दिखा देता हूँ। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका डेट दिखाई देगा कि जिस डेट में भी आपने ट्रांजेक्शन करी है वो डेट, उसके बाद में यहाँ पर उस पार्टी का नाम, जिस पार्टी के नाम पे आपने ट्रांजेक्शन करी है, उसके बाद में यहाँ पर आएगा नरेशन, अगर वो परचेज या सेल्स है तो यहाँ पर आपको उसका बिल नंबर दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पर डेबिट अमाउंट आएगा, उसके बाद में यहाँ पर आएगा क्रेडिट अमाउंट, और ठीक उसके सामने आप टाइप देखेंगे तो टाइप में आपको दिखाई देगा कि ये जो एंट्री है वो सेल्स की है या परचेज की है। तो जो पहला एंट्री है वो आप देखेंगे सेल्स की है और जो दूसरी एंट्री दिखाई दे रही है वो है परचेज की। और इसके साथ साथ में आप ये भी देखेंगे कि इस जो सेल और परचेज है उसका जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। इससे एग्जैक्ट आपको ये पता लग जाएगा कि आज की डेट में जब आप सेल्स और परचेज का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाएगा कि आज की डेट में कितना टोटल सेल हुआ है और कितनी टोटल परचेजिंग हुई है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आप इसे प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते तो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।